वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि भारत वर्ल्ड में नंबर वन कैसे बन सकता है, डिफेंस सेक्टर में नंबर वन कैसे बन सकता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के वॉर भी देख रहे हैं, तो ऐसे रेफरेंस में रशिया और यूक्रेन वॉर ही लेने वाला हूँ, और अफगानिस्तान और रशिया का वॉर भी मैं लेने वाला हूँ जो बहुत पुराने ज़माने में हुआ था, 80s और 90s के टाइम पे हुआ था। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इतनी बड़ी ताकत जो वर्ल्ड के नंबर टू माना जाता है, यूएस के बाद नंबर टू में माना जाता है, रशिया की जो डिफेंस फोर्सेज है उसको नंबर टू माना जाता है, और उनको ना इजीली हरा देता है। अफगान के जो तालिबान जो रेबल्स हैं ना, उन्होंने जो गांव में जो काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो तालिबान में ज्वाइन करके इजीली हरा देता है। कैसे हराया था? उनके AK-47 राइफल या होममेड बंदूक से नहीं हराया था। उन लोग बहुत मार खा रहे थे इन द बिगिनिंग ऑफ द वॉर विद रशिया, लेकिन लेटर ऑन जब यूएस ने उनको स्टिंगर मिसाइल प्रोवाइड किया, जो एक मैन पोर्टेबल मिसाइल था, छोटा सा था, कोई भी कैरी कर सकता था विद मिनिमल अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, जो 2 या 3-4 किलोमीटर के रेंज में कोई भी BMP टैंक या हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट आता था उसको गिरा सकते थे, ईजिली गिरा सकते थे। और जो एयरक्राफ्ट होता था मिलियंस और मिलियंस डॉलर्स के होते थे, और ये जो मिसाइल होता था बस 100 या 200,000 US dollars के ही होता था, 2 लाख US dollars का ही बनता था। तो एक छोटी सी मिसाइल जो बहुत कम दाम में बनती है, उससे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को नष्ट कर रहे थे। तो रशिया ने हार मान लिया और रशिया बैकअप हो गया था। वही चीज़ हो रहा है अभी यूक्रेन के साथ भी। जैसे कि अफगानिस्तान में जो तालिबान को सपोर्ट किया था यूएस ने विद स्टिंगर मिसाइल, वैसे ही अभी रशिया को जैवलिन मिसाइल के साथ सपोर्ट कर रहा है, स्टिंगर मिसाइल के साथ सपोर्ट कर, और भी छोटे मोटे मैन पोर्टेबल मिसाइल से सपोर्ट कर रहा है। तो ये इसलिए मैंने रेफरेंस बताया कि भारत भी कैसे एज पा सकता है और वर्ल्ड का नंबर वन डिफेंस सेक्टर में नंबर वन हो सकता है। तो कैसे हो सकता है कि बेसिकली भारत को फोकस करना है, बड़े बड़े यूनिट्स बना के पैसे वेस्ट करने से अच्छा होगा, जैसे कि टैंक्स में इन्वेस्ट करने से या फिर एयरक्राफ्ट खरीदने से सबसे अच्छा ये रहेगा कि ऑफेंसिव से अच्छा डिफेंसिव मैकेनिज्म कैसे स्ट्रॉन्ग करना वो देखना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यू नो सुइसाइड ड्रोन्स बना सकते हैं, जैसे कि कामाकासी यू नो ड्रोन्स बोलते हैं ना, जो जापान में यूज हुआ था या फिर जापान अभी भी बना रहा है, और उनका जो कंसेप्ट था सुइसाइड मिशन, और जैसे कि वो सीधे जाके पुराने ज़माने में वर्ल्ड वॉर में भी देखा जाएगा ना, प्लेन लेके सीधे शिप के ऊपर जाके विस्फोट हो जाता था और पूरा शिप ही बर्बाद हो जाता था, यानी कि वो ऐसे ही करते हैं, सुइसाइड मिशन में जाते थे। तो वैसे ही अभी कामाकाजी सुइसाइड ड्रोन्स भी बन रहे हैं, इसराइल भी बनाया, इसराइल ने भी भारत को 100 कामाकाजी टाइप के ड्रोन्स दिए जो सुइसाइड मिशन पर जाता है, बस एक बार जाता है वहाँ पर जाके नष्ट हो जाता, ख़त्म हो जाता है, ड्रोन वापस नहीं आता है। तो ये टेक्नोलॉजी हो रहा है, तो भारत को दो चीज़ पे फोकस करना चाहिए। पहली वाली है कि मैन पोर्टेबल मिसाइल बनाना चाहिए जिससे कोई भी इन्फेंट्री मैन अपने कंधों में कैरी कर सकता है, जैसे कि RPG कैरी कर रहा है वैसे ही कैरी कर सकता है, मिनिमल ट्रेनिंग के साथ वो यूज़ करना उसको आना चाहिए, और 5 से 10 किलोमीटर का रेंज होना चाहिए जिससे वो एयरक्राफ्ट को गिरा सकता है, हेलीकॉप्टर को गिरा सकता है, BMP आर्मर्ड व्हीकल या टैंक्स को उड़ा सकता है। ये एक चीज़ में अगर भारत ने फोकस किया ना, तो भारत के पास बहुत एज होगा, क्योंकि भारत की जो आर्मी है वर्ल्ड के नंबर वन है ट्रेनिंग के मामले में, डिसिप्लिन के यू नो सेक्टर में देखो तो भारत के आर्मी नंबर वन है, नेवी नंबर वन है, यानी कि डिसिप्लिन एयरफोर्स भी देखो डिसिप्लिन वाइज सबसे नंबर वन है, प्रोफेशनल है, खाली उनके पास जो एडवांस वेपन्स की कमी है। तो अगर हम लोग ने भारत में दो चीज़ पे अगर फोकस किया, पहली वाली जो है वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी में, अगर भारत ने बेचारे जो हमारे जो जवान हैं जो शहीद होते हैं वहाँ पे बॉर्डर में जाके, तो उनके लिए इतने सारे ड्रोन्स बनाने चाहिए, यानी कि हर यूनिट के लिए बनाना चाहिए, यानी कि BSF के लिए, राष्ट्रीय राजपूत के लिए, RR उनके लिए, यानी कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में जो जाते हैं जो बॉर्डर में खड़े होते हैं, BSF के लिए, CRPF के लिए, CISF के लिए, सबके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इतना अच्छे से बनाना चाहिए, यानी कि विदाउट इन्फेंट्री में या कोई आर्म्ड पर्सन को भेजने से अच्छा होगा कि वो लोग ड्रोन यूज़ करें, ड्रोन से ही शूट करें, ड्रोन से ही बॉम्ब ड्रॉप करें, ड्रोन से ही सर्वेलेंस करें, सब कुछ उसी से करें। तो उसमें से हमारे जवानों की बहुत सारी जान बच सकती है और हमारे ऊपर हमारे पास एड जा जाएगा, दुश्मन के ऊपर एड जा जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा, और हम लोग किसी भी बड़ी ताकत को हम लोग ईजिली हरा सकते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि मैंने जैसे कि बोला मैन पोर्टेबल मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल, ऐसे रेफरेंस में बता रहा हूँ, जो स्टिंगर मिसाइल ने रशियंस को हराया था, जो यूज़ कर रहे थे मामूली गांव वाले अफगानी, जो गांव वाले जो तालिबान में ज्वाइन किए थे उन्होंने हराया था रशिया को स्टिंगर मिसाइल यूज़ करके। और वैसे ही अभी ये हो रहा है यूक्रेन में, जैवलिन मिसाइल यूज़ कर रहे हैं और स्टिंगर भी यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे मैन पोर्टेबल मिसाइल यूज़ के ही रशिया के टैंक्स को, BMP को उड़ा रहे हैं, और जो उनके जो क्या बोलते हैं मल्टीपल रॉकेट बैरल का जो ट्रक्स है उसको भी उड़ा रहे हैं।
तो बेसिकली रशिया ऑलमोस्ट हारे जैसे ही है, लेकिन हार नहीं रहा है लेकिन हारे जैसे ही है, क्योंकि वो बहुत नुकसान सफ़र कर रहे हैं। तो भारत को भी ऐसे ही कुछ करना चाहिए कि दो चीज़ों पे फोकस ज़्यादा डालना चाहिए, एक ड्रोन टेक्नोलॉजी में और मैन पोर्टेबल मिसाइल, जिससे जिसका रेंज 5 से 10 किलोमीटर में होना चाहिए, जिससे एयरक्राफ्ट, उड़ती हुई एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर को, बीएमपी टैंक या फिर मल्टीपल रॉकेट लॉन्च के जो ट्रक्स होते हैं या मिसाइल यूनिट्स होते हैं, उसको उड़ाने के लिए काबिलियत रखें। तो अगर ये हर यूनिट में इन्फेंट्री मैन की या 4 या 5 इन्फेंट्री मैन के ग्रुप में अगर एक के पास एटलीस्ट ये रहेगा, और लो कॉस्ट में हाई इफेक्टिव टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम लोग ने इसका बनाया, बहुत सारी क्वांटिटी में बनाया ना, तो भारत को ट्रस्ट में दोस्तों कोई भी नहीं हरा सकता, अभी भी नहीं हरा सकता, लेकिन अगर ये भी आ गया तो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सब।